हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक यूनिक आइडिया, कैसे आप अपने जो पुराने फटे जीन्स हैं उसको यूज कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से। ये जीन्स को मैं यूज करूंगी मेरे जो शू रैक है उसको एक नया लुक देने के लिए। ये है मेरा शू रैक, ये कोलैप्सिबल शू रैक है। इसको जब मैं अमेजोन से लेके आई थी, आई थिंक आफ्टर 3 to 4 months इसका जो फैब्रिक था, जो सेल्फ का फैब्रिक था, वो फटना स्टार्ट हो गया, पेपर जैसा फटना स्टार्ट हो गया। सो राइट नाउ उसका कंडीशन ऐसा है, तो ठीक है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है ऐसे। तो मैं ये जो जीन्स है उसको यूज करके इसको एक नया लुक दूंगी। ये DIY है, बहुत ही सिंपल, आपको ज्यादा सामान इसके लिए नहीं चाहिए। आपको चाहिए रहेगा एक सीजर एंड आप ले लीजिए कुछ थ्रेड, आप ले लीजिए थ्रेड एंड आपको एक निडल चाहिए रहेगा। देन आपके पास अगर रूलर है आप यूज कर सकते हैं, वरना मैंने जैसे ये जो पेपर है इसको फोल्ड करके एक रूलर जैसा बनाया है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एक पेन लीजिए। सो इतने सामान को यूज करके मैं कैसे ये DIY कंप्लीट करती हूँ और फाइनल रिजल्ट कैसे आता है, सब कुछ मैं शेयर करूंगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आपको पता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, सो दैट आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जीन्स के पॉकेट के चारों तरफ हाफ इंच छोड़ के ऐसे कट कर लिया है। देन उसके बाद मैंने चारों तरफ ऐसे उसको स्टिच कर लिया है, हैंड स्टिच ही किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें दोनों साइड में ऐसे पीछे से मैंने इसको अटैच कर दी हूँ, ऐसे स्ट्रिप्स कट करके मैंने दोनों साइड में अटैच कर दिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों साइड में है इसको भी मैं ऐसे स्टिच कर लूँगी, सो लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कैसे इसको स्टिच कर लिया है। सो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, आगे मैं दिखाऊँगी कैसे यूज़ करूँगी। तो ऐसे मैंने तीन स्ट्रिप जो है तीन पॉकेट को रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने दो प्लास्टिक कंटेनर लिए हैं, यूज एंड थ्रो वाले लिए हुए हैं, तो मैंने होल किया हुआ है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़े जो जीन्स के स्ट्रिप्स है जो बच गए थे एक्चुअली उसको ले लूँगी लाइक दिस। एंड इसके ऊपर मैं से ये जो स्ट्रिप्स है उसको ग्लू में ऐसे चिपकाती जाऊँगी, देन एंड में मैं इसको कट कर लूँगी। तो ऐसे ही मैंने क्या किया हुआ है, सेम वे में जो बचा हुआ था मेरे पास फैब्रिक उसको मैंने लिया है एंड लाइक दिस मैंने इसको स्टिच कर लिया है जस्ट। तो ऐसे मैंने पहले ग्लू से चिपका के उसको मेजर कर लिया, देन उसके बाद जस्ट। तो ये मेरा कम्प्लीटली मैंने इसको एज पर द मेजरमेंट इसको बना लिया है। देन ये ग्लू में चिपकाने के बाद मैंने क्या किया था, ये जो जीन्स है पहले से ही उसको साइड में ऐसे स्टिच कर लिया था, सो ये डिज़ाइन की तरह भी दिखे एंड ये सारे जो धागे हैं वो निकल के ना आए। देन उसके बाद एंड ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा कम्प्लीट हो गया है, इसको भी मैं ग्लू से चिपका के उसको स्टिच कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्कल कट किया हुआ है, तो ऐसे मैंने जीन्स के ऊपर रख के ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, देन इसको कट किया। तो ये जो पोर्शन है इसको मैं नीचे अटैच करूँगी लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। Thank you.
फ्रेंड्स मैंने क्या किया, बेबी का जो शूज़ था उसको लेके ऐसे जीन्स पे मार करके दोनों पैर को मैंने कट कर लिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे कलर करके ऐसे बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे साइज़ का है एंड जो हस्बैंड के साइज़ का है तो दोनों को ऐसे मैंने बना लिया है। एंड यहाँ पे मुझे इसको चिपकाना है। तो ये साइज़ का मेरे पास जो बचे कुचे कपड़े थे उससे ही मैंने ये बनाया है। मैंने सारे यहाँ पे जीन्स पे कट किए हुए हैं तो सेम मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड से उसको कट कर लूंगी। पेटल कट कर लूंगी मैं, कुछ जीन्स के फ्लावर बना रही हूँ यहाँ पे, सो लाइक दिस। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे पेटल ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है, फिर थोड़े बड़े बड़े स्टिचेस डालूंगी। अगेन मैं और एक पेटल को ले लूंगी। तो उसको भी मैं ऐसे स्टिच कर लूंगी। पे थोड़े ज़्यादा पेटल्स ऐड कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप चार या पांच भी ऐड कर सकते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स दिस इज द फाइनल लुक। मैं स्टार्ट करती हूँ ये कोटेशन से। मुझे कोटेशंस बहुत पसंद है एंड मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द वे जिससे कि मैं बार बार अपने आप को कुछ वैल्यूज रिमाइंड कर सकती हूँ एंड उसको अपने लाइफ में इंकल्केट कर सकती हूँ। देन चलते हैं शू रैक की तरफ। शू रैक अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी ब्यूटिफुल दिख रहा है एंड ये काफ़ी स्टडी भी हो गया है। इसमें आराम से 3-4 पर्सन के जो शूज़ है इसमें मैं रख सकती हूँ और आई थिंक उससे ज़्यादा भी रख सकती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने कुछ जो पॉकेट्स डाले हैं, यहाँ पे मैं जो पॉलिश रहता है, पॉलिश के जो ब्रशेस रहते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें मैं साइड में ऐड कर सकती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कैसे मैं शू रैक को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। काफ़ी सारे DIY मैं करने वाली हूँ, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। एंड यहाँ पर मैंने प्लांटर को ऐड किया हुआ है, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है। जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। इट्स वेरी सिंपल गाइज, आप ये वाला प्लांटर डेफिनेटली ट्राई करें। ये बहुत ही ईजी है बनाना जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डेकोर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए।